वेलकम फ्रेंड, आप सारे बच्चों का स्वागत है अन अकाडमी यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी पर। मैं यूपी ट्रिपल एससी पर आप लोग को डेली मैथमेटिक्स का क्लास लेकर आ रहा हूं और मेरा मेन टारगेट है लेखपाल पीसीएस को कैसे क्रैक करें। और यदि आप लोग रियली में लेखपाल या यूपी एसआई परीक्षा या यूपी उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आप जो है अन अकाडमी ज्वाइन कर लीजिए और अन अकाडमी में यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को ज्वाइन करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो मैं आप लोगों को शुरू करने वाला हूं, बस एक मिनट बेटा रुक जाइए। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए बेटा, जो क्लास में हो ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा आप सारे बच्चे। ओके, आज बच्चे भी झेल गए होंगे ज्यादातर। क्रैक यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और यदि यहाँ पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्सेस मतलब डाटा को अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग लाइव कोर्सेज बेस्ट एडुकेटर द्वारा देख सकते हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप घर से ये मत सोचना बेटा कि कहने मतलब यहाँ पर जो एक एडुकेटर हर एक जो एजुकेशनल हब एरिया में सारे एडुकेटर अच्छे नहीं होते हैं। अन अकाडमी ने क्या किया, सारे एरिया के टॉप टॉप एडुकेटर को उसने जो है प्लस कोर्स में सबको लेकर आया। तो प्लस कोर्स में मैं पढ़ाता हूँ और मेरा नाम गोविंद शुक्ला है। 8 PM पे मैं जो है आप लोगों को क्लास लेता हूँ प्लस का, और 8 AM और 9:15 PM पर भी मेरी स्पेशल क्लास होती है। मेरा रेफरल कोड है गोविंद 10 या गोविंद लाइव, GOVIND गोविंद लाइव। और यूट्यूब सेशन मेरा स्टार्ट होता है 10:30 रात्रि में, 10:30 पे होता है। ठीक है बेटा, ओके। आगे है अन अकाडमी को जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर आप सेलेक्ट गोल कर लेंगे। सेलेक्ट गोल में यूपी पीसीएस एंड ट्रिपल एससी डाल दीजिएगा स्टेट पीसीएस में आके, और उसके बाद जो है मेरे रेफरल कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अन अकाडमी के ये एडवांटेज क्या है, यदि आप प्लस क्लास लेते हो तो कहीं भी रहकर आप लाइव क्लास रिकॉर्डिंग सेशन को जो है अपन देख सकते हो और अपने अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम योर बेस्ट एडुकेटर से आप बातचीत कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो। और एक्सेस टू वेस्ट मल्टीपल क्रॉसपॉन्डिंग कोर्सेज, कई सारे कोर्सेज को आप ले सकते हो, देख सकते हो। स्ट्रक्चर एंड पीआरडीजी इन दिस साइनिक विद दिस एकेडमिक कैलेंडर, मल्टीपल लाइव डेप्थ क्लियरिंग सेशन भी होता है, स्टडी मटेरियल पूरा मिलता है आप लोगों को। इतने कम चार्ज में तो पॉसिबल नहीं है कि वर्ड का कोई दिला सके, तो बहुत मिनिमम चार्ज में आपको टॉप एडुकेटर 100 टीचर आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं प्लस पढ़ाने वाले मिनिमम। विजेता यूपी पीसीएस एक प्रीलिम्स जीएस चल रहा है बेटा। ओके, जीएस पेपर टेस्ट सीरीज है, हिंदी और इंग्लिश में चल रहा है। रैंक फर्स्ट से लेकर 25 तक आने वाले को, पहले जो पहला रैंक लाएगा उसको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। दूसरे बच्चे को संडे को होता है ये 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन में 50%, और जो 4 से 25 तक है उनको 6% वो 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। टेस्ट प्लेयर इस टेस्ट पैटर्न को जीएस के 150 मल्टीपल टाइप के प्रश्न होंगे, गलत उत्तर देने पर 0.33, ड्यूरेशन 120 मिनट का आपका होगा, मैक्सिमम मार्क 200 मार्क का होगा। ओके बेटा, सारे बच्चे जो है लिंक को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आगे एक सौर एसआई फ्री टेस्ट सीरीज चलता है, एवरी मंडे टू फ्राइडे होता है 6 PM पे। मिशन खाकी एवरी संडे 2 PM पे, ड्यूरेशन 90 मिनट। बैच कोर्सेज के बारे में देखिए, आप बैच कोर्सेज के बारे में, बैच कोर्सेज अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 22 अक्टूबर से,
जिसमें अमरनाथ गुप्ता जी आपको हिंदी पढ़ाएंगे, दीपेंद्र सिंह आपको जनरल हिंदी, विपिन कुमार गुप्ता मॉडर्न हिस्ट्री, रैना सराफ जनरल साइंस, ओपी चौधरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे, गर्वी सक्सेना मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, अंकिता कंछा यूपी स्पेशल एंशियंट और मिडवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मृत्युंजय कुमार चंदन इंडियन पॉलिटी, नूर आलम ज्योग्राफी और धनंजय सिंह आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। ओके, आगे आप देखो, जब एक ही सब्सक्रिप्शन पे एक ही सब्सक्रिप्शन के प्रदेश के आल एग्जामों को भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और इसका सिलेबस, जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पूरी गाइडलाइन की जाती है। लोअर पीसीएस पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ऐसे यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, सारे एग्जामों का। इसके लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन बेटा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो और फीस स्ट्रक्चर क्या है, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन हो 13,600 है, और यदि आप मेरा ये रेफरल कोड है, रेफरल कोड आप यूज करते हो तो फीस आपकी 12,240 होगा। और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आप देखोगे 9,370 बेटा, और ये आपकी फीस होती है 8,415। 6 मंथ का होता है 7,650, जो 6,885 में सब्सक्रिप्शन होता है तो बेस्ट। इसके साथ 4 महीना सब्सक्रिप्शन फी, 4 मंथ का फ्री है, और 12 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन के साथ 3 मंथ फ्री चल रहा है। तो आप लोग लेट मत करिए, गोविंद लाइव या गोविंद 10 बेटा इस पीडीएफ विकल्प सही करेंगे, गोविंद लाइव यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोई स्पेस नहीं है। ओके, अदरवाइज आप मुझसे जो है मेरे जो है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है उद्भव सर मैथ से भी, ठीक। अब घर बैठे आप बीपीएससी यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हो, ये फीस आपका है। यहाँ भी मतलब आपको यदि मेरे कैटेगरी में, मेरे कैटेगरी के अलावा अन्य किसी भी कैटेगरी में यूपीएससी टेट और मतलब एसएससी बैंक रेलवे कहीं भी यूपीएससी में भी सब्सक्रिप्शन लिखते हो तो मेरे रेफरल कोड का यूज कर सकते हो, गोविंद लाइव, कोई स्पेस नहीं होगा। तो आप यूट्यूब चैनल पर अनअकैडमी यूपी पीसीएस, जितने बच्चे क्लास में आए हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम के लिंक से भी अनअकैडमी के जुड़ सकते हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा शुरू कर रहा हूं। आज मैं कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी पीसीएस के लिए भी। और महिमा पांडे वेलकम सारे लोगों को बेटा। लिंक ग्रुप में शेयर हो गया कि नहीं, हमारी मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, इसीलिए आप लोगों से बोला था कि लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप अपने ग्रुप में अपने लोगों के पास भी शेयर कर दिया करिए। आप लोग ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए, आप लोगों ने शेयर नहीं किया लिंक। चले, ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है बेटा,
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, इसको बोलेंगे NSAP। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से NSEP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम स्टेट स्कीम। आगे उद्देश्य क्या है? सारे बच्चे बेटा क्लास में जब आपसे गोलू बोला गया था उसी समय तो आपको शेयर कर देना चाहिए था, हाँ? ओके, चलिए बेटा। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों के लिए सामाजिक पेंशन की व्यवस्था करना, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्या है? ग्रामीण परिवारों के लिए सामाजिक पेंशन की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जो 15 अगस्त 1995 से अस्तित्व में आया, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 इम्पॉर्टेंट है, वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 15 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आया, संविधान के अनुच्छेद 41 वर्णित नीति निर्देश सिद्धांतों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दो बार हो गया भाई, कैसे? इस अनुच्छेद के अनुसार अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं में रहकर, इस अनुच्छेद के अंतर्गत, याद रखना यह अनुच्छेद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 41-42। इस अनुच्छेद के अनुसार अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं में रहकर राज्य सरकार लोगों के काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धा व्यवस्था, अपंगता तथा अन्य अनर्जित मांगों की स्थितियों में जन सहायता के अधिकार की सुविधा करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 न्याय एवं काम की मानवीय दशा एवं मातृ सहायता का प्रावधान, बेटा इसको डाउनलोड कर लेना, याद रखिएगा, प्रावधान राज्य एवं न्याय काम की मानवीय दशा तथा मातृ सहायता को भी सुनिश्चित करने का प्रावधान करेगा। आगे, यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था, जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु अथवा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिए सामाजिक सहायता की एक राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सहायता तथा राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अथवा भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना है। NSEP का क्रियान्वयन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया जाएगा, मतलब डायरेक्ट अकाउंट में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अभाव से जूझ रहे परिवारों को नगद हस्तांतरण की सुविधा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान में NSEP में 5 योजनाएं शामिल है, याद रखिएगा, पूछ सकता है NSEP पे 5 योजना, ये आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेलकम संजना गुप्ता जी, सारे बच्चों को स्वागत है। ये आपके UPPCS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। वर्तमान में NSEP में 5 योजनाएं क्या शामिल हैं, ऐसे पूछ सकता है, या कौन कौन सी योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो लिखेंगे इंदिरा गांधी, ध्यान देना, नंबर 1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा, इसमें जुड़ा हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा, ये 4-5 योजनाओं का एक विस्तृत रूप है NSEP में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इसके बारे में जान लो, यह जो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी, जो को बेटा याद रखिए क्या क्या है, याद रखना, जैसे क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अन्नपूर्णा, एक बूढ़ा हो गया, वृद्धावस्था हो गया, विधवा हो गई है ना बेटा, और विकलांग हो गया, तो बहुत आसानी से याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था में पेंशन योजना लाभार्थी को 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाले को बीपीएल वृद्धाजन लाभ 400 रुपये प्रतिमाह व्यक्ति 60 से 79 वर्ष के वृद्धों के लिए तथा 500 रुपये प्रति व्यक्ति व्यक्ति को प्रतिमाह 80 वर्ष वाले अथवा अधिक आयु वालों के लिए वृद्धों के लिए है। ध्यान दीजिए क्या है कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है 60 वर्ष से 79 याद रखना 79 तक का 400 रुपया मिलेगा और 80 वर्ष से अधिक वालों को 500 रुपया मंथली मिलेगा। कौन भाग ले सकते हैं 60 वर्ष से अधिक कौन होने चाहिए बीपीएल कार्ड धारक होंगे इसमें राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें इंदिरा। फिर आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में क्या है बेटा इसमें बीपीएल वर्ग की 40 से 59 कितना वाइस आ रही बेटा 40 से 59 वर्ष आयु वाली विधवाओं को प्रतिमाह 300 रुपया पेंशन दी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत क्या है इसमें बेटा जो है 18 से 59 वर्ष वाले बीपीएल वर्ग के विविध या गंभीर विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को 500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा 500 रुपया दिया जाएगा। अब आप यहां से ध्यान से देखो गरीबी देखो बेटा वृद्धा वाले को कितना दिया जाएगा ध्यान बताइएगा वृद्धा वालों को कितना दिया जाएगा 60 से 79 400 रुपया इसके ऊपर हो जाओगे तो 80 के ऊपर 500 रुपया और विकलांग वालों को कितना दिया जाएगा 18 से लेकर 59 तक कितना है बेटा 59 है कि 60 है देखिए 59 तक है इनको कितना दिया जाएगा इनको दिया जाएगा आपको 500 रुपया महीना। विधवाओं को कितना दिया जाएगा 300 रुपया विधवाओं को कितना दिया जाएगा कितने वर्ष तक 40 से लेकर 59 वर्ष तक है कितना है 300 रुपया याद रखना ये मूल्य याद रखना भूलना मत इसीलिए मैं दो बार कराया हूँ ओके। पर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है NFBS में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों में जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख सदस्य को 18 से 64 मृत्यु या परिवार के पारिवारिक लाभ के स्वरूप एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है ठीक है। इसके तहत NOPS के तहत पात्र किंतु लाभों से वंचित वरिष्ठ नागरिक को प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है ओके। संसद आदर्श ग्राम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पूछा जा सकता है वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका और ऐसे योजनाएं भी आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ते हो बेटा तो प्रॉब्लम क्या आ जाता है मैं आपसे बता रहा हूँ जब एग्जाम होता है तो नज़र नहीं आता है ये जब एग्जाम होता है तो ये नज़र नहीं आता राइट। तो चलिए सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना इसमें जो सांसद लोग होते थे एक एक वर्ष के लिए मतलब जो है गांव को ले रहे थे कि हम उनकी बुनियादी ढांचा को सही करेंगे आओ सब मिलकर बनाए गांव को बनाए सुंदर। इसमें क्या क्या व्यवस्था था एजुकेशन था बेटा पानी की व्यवस्था था बिजली कृषि गोबर गैस प्लांट और कृषि गोबर गैस प्लांट है ना बेटा इंटरनेट ये सारी सुविधा जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत था लेकिन ये बहुत अच्छे रूप से सफल नहीं रहा ठीक है। इस योजना में 2014 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किसके जयप्रकाश नारायण समाजवादी जान रहे हो ना समाजवादी ये मत समझो समाजवाद के प्रवर्तक जयंती पर शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत संसद सदस्य 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव कितने गांव 8 गांव गाँव को सामाजिक आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए याद रखना 2019 में जो है ये 3 गांव था और 24 तक जो है कुल 8 गांव हैं। क्या बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक जरूरत की चीज़ें पहला आदर्श गांव 2016 तक दो अन्य वर्षों 2019 तक विकसित किया जाना था। सांसद आदर्श ग्राम के विकास के लिए उपयुक्त ग्राम पंचायत अपने स्वयं के गांव और अपने पति या पत्नी के गांव के अलावा पहचान करने के लिए मतलब ऐसा नहीं होगा
कि अपने स्वयं के गांव या अपने पति या पत्नी के गांव के अलावा करना होगा, मतलब अपने गांव जहां से सांसद हो उस गांव का नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एस ए जी वाई के तहत 127 केंद्रीय और केंद्रीय प्रायोजित 1806 राज्य योजनाओं को संकलन किया है। 2019 में 2024 तक प्रत्येक सांसद द्वारा हर वर्ष 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए जाने चाहिए। 19 से 24 तक, 3 पहले थे, कुल 8 करना है, 5 बाद में करना होगा। ठीक, आगे तो योजना बेटा ये अच्छी थी, हमारे समझ से बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं थी आप लोगों को जो ये मैंने बताया, इसको आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरी योजनाओं को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम आप लोगों को, योजना इतनी ही थी, एक मिनट रुके रहिएगा। तो बताइए बेटा आप लोगों को, हमने सोचा कि कुछ पढ़ा दें मैथ, लेकिन शायद आप लोग जो है क्लास में नहीं हो। चलिए एक दो क्वेश्चन मैथ करा देते हैं, कोई बात नहीं है, जो क्लास में है वो बच्चे पढ़ें। दिया है बेटा, एक पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है, 16 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। तो पिता की आयु जो फादर की है बेटा वो 7x है, जो सन की आयु है वो 3x है। याद रखना, लेखपाल के लिए मैथ और ग्रामीण विकास यदि अच्छा नहीं कर पाए तो हिंदी और जीके से सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना है पहले। तो 7x × 3x बराबर 756, 21x² बराबर 756, x² बराबर 756 बटे 21, 7×21, 7×1=7, 7×8=56, 3×3=9, 3×6=18, x² बराबर 36, x बराबर 6। कह रहा 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे, ये 42 हो जाएगा फादर, और सन जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। कह रहा कितने वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद,
16 वर्ष बाद, तो 42 प्लस 16 ये फादर की आयु हो जाएगी और 18 प्लस 16 ये पुत्र की आयु हो जाएगी। ये हो जाएगा बेटा 58 और ये हो जाएगा आपका 6 8 6 14 6 3 18 34। ये तो कट नहीं रहा है, 6 2 8 58 42 16 42 42 और 16। ठीक है बेटा, हमने 16 वर्ष बाद लिखा, ये दिया गया है हिंदी में, देखना बेटा यहाँ पर ये गलत है थोड़ा सा, ये 6 वर्ष बाद है, वही तो मैं कह रहा था क्या गलत हो गया भाई। तो बेटा 42 ये है 6 वर्ष बाद, 42 6 48 और 18 6 24 2:1। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2:1 इज द राइट आंसर। वेलकम मीनाक्षी जी, सारे लोग आप लोगों से बोले थे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो आप लोग भूल जाते हो ग्रुप में शेयर करना, और क्या नाम है यूट्यूब चैनल पे और क्या नाम है टेलीग्राम लिंक पे आप लोग शेयर कर दिया करिए बेटा अपने लोगों को, है ना। एक लिखा है द रेशियो ऑफ एज इन द बी एज 4:3, मतलब ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 आफ्टर सी ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स ए विल बी 26 ईयर्स ओल्ड, मतलब 6 वर्ष पश्चात आफ्टर ये 26 साल का होगा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बेटा ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है 4:3। ठीक, 6 वर्ष पश्चात जो है ये जो है कौन, ए 6 पर 7, तो ये बेटा ए की आयु 4x है, 6 वर्ष बाद जो है ये 4x है और ये 3x है, ऐसे लिख लिया करो। ये 26 वर्ष का हो जाएगा, मतलब 4x = 20, x = 5। पूछ क्या रहा है, बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा, 3x 3 × 5 = 15 वर्ष। डी इज द राइट आंसर, डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए। सोनाली और मनाली की वर्तमान आयु इतना अनुपात है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। मनाली की वर्तमान आयु याद करिए, द प्रेजेंट एज ऑफ द सोनाली एंड मनाली आर इन द रेशियो 5:3, तो 5 ईयर्स फ्रॉम दिस नाउ दियर एज विल बी द रेशियो 10:7, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मनाली। सॉल्व करिए बेटा आप लोग, सॉल्व करो सारे बच्चे। आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, तो टाइम के अंदर सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो संतोष यादव जी मुझसे बात कर लेना, ठीक है। आपकी बहन को जॉब लग गया कि नहीं बेटा, संतोष यादव आपकी बहन को जॉब लगा कि नहीं अभी। देखिए बेटा, सोनाली, सोनाली को मान लेता हूँ मैं 5x, अरे सही है, मतलब थोड़ा सा सोनाली को मान लिया 5x, ठीक है। और किसका है, मनाली का, मनाली का मान लिया हमने 3x। कितने वर्ष, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगी, कितने वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद 5x + 5 3x + 5 आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 गुणा कर देंगे, +35 = 30x + 50,
5x बराबर 15 के, 50 में से 35 निकल जाएगा, 5 × 3 = ex बराबर 3। पूछ क्या रहा है, हो जाएगी मनाली की वर्तमान आयु क्या है। मनाली कितने साल की है, 9 वर्ष की है, 3 का गुणा करोगे 9, ये 5 × 3 = 15। किसका पूछा है, मनाली का पूछा है, तो मनाली 9 साल की। अरे 65,000 वाली वैकेंसी थी ना बेटा, सारे बच्चे बताइए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। एट ए प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 3:4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले पूर्व, मतलब यहाँ पर देखिए 14 इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट गलत हुआ, थोड़ा सा 4 वर्ष पूर्व, रेशियो ऑफ अदर 4:1, 4 वर्ष पूर्व की बात है। तो पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु मान लिया हमने 3x है और बी का मान लिया x है, तो 3x माइनस कितने पूर्व, जब पीछे जाओगे तो घट जाएगा और तब अनुपात इनका 4:1 हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए तो आप कहोगे 4x माइनस 16 बराबर 3x माइनस 4, 3 गुणा कर दिया जाता है, x बराबर बेटा 12, x बराबर 12। पूछ रहा a की वर्तमान आयु क्या है, a की वर्तमान आयु है जाएगी 3 × 12 बराबर 36 वर्ष, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, रेगुलर क्लास लो, रेगुलर पढ़ाई करो, ओके। मुझसे बात कर लेना, ठीक है, उसी समय जो तुम्हारे साथ में कई बच्चे पढ़ते थे सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आप जो है अपनी कुछ चीज़ें ने ध्यान नहीं दिया। 18 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात ये है, 18 वर्ष पहले उनकी आयु का वर्तमान अनुपात ये है, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है बेटा, 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले ए की आयु मान लिया हमने है 8x और बी की आयु है बेटा 13x, वर्तमान में जुड़ जाएगा, आज के 13 साल 18 साल पहले ये एज थी, तो क्या लिखोगे, वर्तमान आयु का अनुपात 8x प्लस 18 और 13x प्लस 18, ये वर्तमान आयु है बेटा। वर्तमान जब पूछेगा ए का तो आप 8x प्लस 18 लिख दोगे और बी का कहोगे 13x प्लस 18, यहाँ पे लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु है ये, और ये अनुपात हो जाता 5:7, ठीक है, और ये हो जाएगा 13×5 = 65, 65x और 13×18 = 90, ये बराबर कितने के होगा, ये बराबर होगा 56x, 18×7 = 126, और ये हो जाएगा 56x बराबर 36, 9×36, x बराबर 4। किसका ये पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, यही ए की वर्तमान आयु है बेटा, ए की वर्तमान आयु यही तो होगा, तो ए की वर्तमान आयु 8x + 18, ठीक, 8×32, 8×4 + 18 32, 8×40 = 1050, सी इज द राइट आंसर। बेटा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, करण सेन जी, ठीक है करण सेन जी, अभी पेट का ऑफर चल रहा है, किसी बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लीजिए, है ना, बहुत मिनिमम चार्ज है। अगला क्वेश्चन, दो बालकों की आयु का अनुपात ये है, 2 वर्ष बाद इनके अनुपात 7:8 होगी,
वर्तमान आयु दो बालकों की आयु का अनुपात ये है, 2 वर्ष बाद इनका अनुपात ये हो जाएगा, 12 वर्ष बाद इनकी अनुपात क्या होगा। तो बेटा एक ही वर्तमान, दो बालक है, मान लिया पहला बालक है, पहला बालक की आयु मान लिया 5x है, सेकंड वाले बालक की आयु जो है 6x है वर्तमान में, 2 वर्ष बाद, तो 2 जोड़ देंगे, 2 वर्ष बाद 5x 6x + 2 = 7:8 है ना बेटा। तो ये 42, 7 का गुणा करोगे 42x + 14 = 40x + 16, तो 2x = 16 - 14 = 2 के, तो x = 1। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 12 वर्ष बाद 5x + 12 बटे में दे रहा है, तो बटे बटे का ही अनुपात ही होता है 6x/12। तो एक यक्स का मान 1 है, तो 12 × 5 = 17 हो जाएगा, और ये 17/18 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे बोलिए यही तो आंसर होगा बाबू। और हमारे आप जो है सुबह के 8 बजे पर भी YouTube क्लास होती है, उस पर भी जुड़ सकते हो। स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी पर, इस पर भी जुड़ सकते हो। आपको हर जगह लाभ मिलेगा, बशर्ते आप पढ़ाई करो। हमारे अंदर आदत क्या होती है कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। सही नहीं, सही बता रहा हूँ, हम पढ़ते ही नहीं हैं। 17/18 ये है क्वेश्चन नंबर 8। द टोटल एज ऑफ फादर एंड हिज सन 6 ईयर्स एगो द एज ऑफ फादर एंड वाज 5 टाइम, मतलब 5 गुना है, मतलब लड़के का 5 गुना फादर दैट द सन, व्हाट विल बी द एज ऑफ सून आफ्टर 6, मतलब 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। ठीक है, मान लिया जाए बेटा जो सन है उसकी एज यक्स है, तो फादर की एज हो जाएगी 60 - यक्स। कहता है एक पिता उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले की बात करेंगे, तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जब आएंगे एकदम बेसिक से, तो यक्स माइनस 6 हो जाएगा, फादर का हो जाएगा ये 60 में से 6 निकल जाएगा, 54 बचेगा, 54 - यक्स। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, ये 5 गुनी कर दो। ठीक है बेटा, तो 5x - 30 = 54 - यक्स, ये किधर आ जाएगा, ये 6x हो जाएगा, 6x = 84 के, माइनस इधर जाएगा 84, यक्स बराबर 14। पूछ रहा है 6 वर्ष पहले पिता की आयु 5 गुनी थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु वर्तमान में कितना है, x + 6 = 14 + 6 = 20, 14 + 6 = 20 साल का लड़का हो जाएगा, अब तो वो शादी करेगा। ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, मेरी एज हो गई है ना बेटा, ये तो गाना गाएगा लड़का। बोलो बेटा जल्दी से बोलो, कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग इस लिंक को, आपसे बता रहा हूं, यदि आप लोग इस लिंक को अपने ग्रुपों में शेयर कर दोगे, और यदि आज के डेट से आप लोगों को 2 क्वेश्चन ना मिला, तो आप डेट नोट कर लीजिए, आज 15 तारीख है, आपको 2 क्वेश्चन आज के डेट से मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। ठीक है, कितना, 5 वर्ष पहले, लिख लेता हूँ डायरेक्ट, बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, 5 वर्ष पहले जो सन था उसकी आयु मान लिया हमने यक्ष है, तो उस समय जो फादर की आयु थी पिता पुत्र की आयु के 5 गुनी थी। ठीक,
वर्तमान में लिखेंगे भाई, आज के जैसे आज से 5 वर्ष पहले वर्तमान में जो सन होगा उसकी आयु हो जाएगी एक्स प्लस 5, ठीक है नहीं। और जो फादर होंगे उनकी आयु हो जाएगी बेटा 5x+5। 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अब क्या कह रहा है, बहुत बड़ा कर रहा है भाई, इतना मत करो। 2 वर्ष बाद सन की आयु क्या कितनी हो जाएगी, x+7 हो जाएगा। और जो फादर होंगे बेटा 5x+7 हो जाएगा। कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कंडीशन ये कह रहे हैं कि पुत्र 5x+7 जो है उस समय जो पुत्र की आयु होगी उसकी 3 गुना, 3 का गुणा कर दीजिए, 5x+7=3x+9, 2x=9 + 7=2x=1, x=1 पूछ क्या रहा है, 3 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान में ये दिया है, फादर का हो जाएगा 5x1+5 और ये हो जाएगा बेटा 5, 1 है यक्ष का मान 1 है, कहीं गलत हुआ है क्या बेटा, कहीं लगाने में देखो तो 10 नहीं, गलती कहाँ हुआ बेटा, थोड़ा क्वेश्चन देखो। एक पिता 5 वर्ष पहले यक्स 5x, 2 वर्ष बाद वर्तमान में आ जाएंगे, x+5, 2 वर्ष बाद x+7, 5x+7 ये भी सही है, 5x+3x+9, 2x, x का मान 1 आ गया, ये भी बात सही है। फिर कह रहा वर्तमान आयु पिता, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, 10:3 आप जो कह रहे हो बेटा, अच्छा कहाँ गलती हो रहा है भाई जो मुझे नहीं दिख रहा है, x+ ये गलती किया हूं, देखो मिनट, यही तो होता है, 5x+7 3x+3 लिख दिया था, आदमी को ध्यान नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं है, बता देते हैं इसमें क्या है, 5x+7=x+7 का 3 गुना करना है, तो ये 3x यही संभव नहीं बन रहा था, मैंने यही सोच रहा था संभव नहीं होगा, 5x+7 तो ये होगा बेटा 2x=14x=x=7 के, x=7 के। अब बताइए फादर का है 7 है, 7 × 5=35, 5x+5 और ये x+5, तो ये 5 मान जब 7 रखोगे, 7 × 5=35, 5 × 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, 7 × 5=12, 4 × 2=40, 4 × 3=12, सी। अरे बेटा लिखने में जो है ये जहाँ 7 लिखा था वो 3 बन गया था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा था, ठीक ठीक है ओके। मेरे साथ बेटा प्लस क्लास ज्वाइन करिए तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा बेटा ये बताइए आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन, आप सिर्फ मेरा मेहनत आप देखिए कैसा, सुबह मेरी क्लास 8 बजे है, 8 बजे से है, 8 बजे से मान लो 9:30 तक हो जाता है,
दूसरी आप क्लास देखोगे 10 बजे भी है, 10 बजे से 11 बजे। फिर आप देखोगे मेरी क्लास कुछ चर्चा नहीं कर सकता हूँ। और तीसरी क्लास फिर आप देखोगे शाम को 8 बजे, सुबह है 8 बजे से 9:10 तक क्लास। फिर चौथी क्लास 9:15 से 10:20-25 या 10:30 तक कर दो क्लास। फिर अगली क्लास देखोगे 10:30 से लेकर 11:30 तक क्लास। तो जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो क्या आपको मेहनत नहीं करना चाहिए? बस इतना बताना, जब मैं इतना मेहनत करता हूँ तो क्या आपको मेहनत नहीं करना चाहिए? आप लोग तो अपने कमरे पे, बेड पे, चेयर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, जबकि मैं तो खड़े होकर आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करता हूँ। ये भी ना लगे कि हम YouTube पर क्लास ले रहे हैं। मैं अपने पुत्र से दुगनी आयु का हूँ, 15 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो जाऊँगा। मैं अपने पुत्र का तिगुना आयु का हूँ। मान लिया जाए ये बेटा, ये फादर है और ये सन है, ठीक है। यदि ये यक्ष है तो ये 3 यक्ष है। कह रहा 15 वर्ष के बाद ये लिखेंगे और ये x+15 दुगुना हो जाएगा। तो 3x+15=2x+30, मतलब x=15। हम दोनों की आयु का योग कितना है? वर्तमान की बात कर रहा है, आयु का योग कितना हो जाएगा फादर प्लस सन का? 3x+x=4x, 4 × 15=4x। दुगुना हो जाऊंगा। हम दोनों की आयु का योग कितना है? I am thrice old my son. After 15 years, I will be twice old as my son. Accordingly, what is the sum of age? तो 15 × 60 कोई विकल्प दे रहा है बेटा आप लोगों को? 60 आ रहा बेटा, गलत है कोई विकल्प? मे बी, चाहे जो रहेगा गलत होगा, 60 होगा। इसमें लिख लेना नन ऑफ दीज, कहीं गलत नहीं है। वेलकम सीमा तिवारी जी, स्वागत है आपका। तो सारे बच्चे जो है ग्रुप में जुड़ जाइए, कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा, ठीक है बेटा। और जितने आप लोग बच्चे हो सारे बच्चों से मेरा कहना है, बेटा आंसर गलत है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। नंबर वही है बेटा, नंबर जो है क्या बताएं, नंबर वही है, नंबर मेरा वही है। पहले वाला नंबर था, मालूम होगा ना बेटा सारे बच्चों को। तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मेरी बिटिया जो है मेरे लिए चाय बना के लाई है कि पापा चाय पी लीजिए, बहुत देर से लगातार बोल रहे हो। तो बिटिया किसी बच्चों से कम होती है बेटा? भारत के सामाजिक संरचना में असली विकास तब होता है जब लड़कियों को उसको उचित स्थान मिले और समाज का हर वर्ग उसको उचित स्थान दिलाए। लेकिन बेटा चीनी डालना भूल गई हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चाय है, ठीक है। तो पूछ रहा है एक गत लिखा बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, ठीक है। अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? पीछे जाएंगे तो 25 हो जाएगा, विकल्प से लगेगा। आगे जाएंगे
फुल मेथड से लगाओगे बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा। तो यह पाँच का पूर्ण वर्ग है, यह तीन का क्यूब है। गत वर्ष पीछे जाओगे लिखा है, लास्ट ईयर माई एज इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी ए क्यूब नंबर, व्हाट इज द माई परसेंटेज। ये देखिए बेटा क्यूब हो रहा है, घन हो रहा है, ये तीन का क्यूब हो रहा है, ये फाइव का स्क्वायर हो रहा है। तो मेरी एज कितनी है, ये मेरी एज बता रहा है क्योंकि आई एम ट्वेंटी एट ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या की दुगनी है। 50 की कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात 4:1 है, कक्षा में लड़कों की कुल आयु कितनी है। शायद ये क्वेश्चन किसी दिन हो गया है तो अभी जल्दी में, कई जगह पूछ लेता है ना, बॉय और गर्ल्स का रेशियो, कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या का दुगना, 50 लड़कों की कक्षा में 4:1 है और कुल 50 है बेटा, इसका मतलब 40 बॉय हैं और 10 लड़कियां हैं, क्लियर। तो बॉय आ गया बेटा 40 और इनका एवरेज कितना है, एवरेज कह रहा है कक्षा में लड़कों की औसत लड़कियों की संख्या की दुगनी है, लड़कियां हैं 10 तो औसत हो जाएगी 20 और लड़कों की कुल आयु टोटल एज कितना हो जाएगा बेटा, टोटल एज कितना होगा बॉय का, 40 × 20 = 800, सी इज द राइट आंसर। ओके, बोलिए बेटा, सारे बच्चे बोलिए। अब बेटा मैं जो है आपसे एक वर्ड कहूँ, अब मैं, मेरी इच्छा नहीं है तो कल मॉर्निंग में हम लोग जो है सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम होता तो आप मुझसे जो है बात कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेना हो बेटा किसी बच्चे को तो हम आपको, जो बच्चा मेरा जो है, याद रखना बेटा, जिन बच्चों ने मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड यूज करेंगे, वहाँ पे लिखा रहेगा हैव ए रेफरल कोड। यदि आप मेरा रेफरल कोड करते हो, जैसे मेरा रेफरल कोड है गोविंद लाइव, यदि आप मेरा गोविंद लाइव यूज करोगे तो आपको बेटा मेरे तरफ से कम उसकी कीमत अनलिमिटेड है, याद रखिएगा, मैथ का फुली नोट्स पूरा पीडीएफ फ्री मिलेगा, ठीक है, कम से कम 1000 पेज 2000 पेज का है। ओके, तो आज क्लास को ही ब्रेक करता हूँ बेटा। सारे बच्चे जब भी मेरे क्लास में आए तो याद रखिए 10:30 बजे मेरी क्लास होती है, 10:30 से 11:30 तक। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, मज़ा आता है बेटा, आपके इंतज़ार में मैं रहता हूँ, रियल बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के इंतज़ार में रहता हूँ कब ये बच्चे आए, कब मैं इनको पढ़ाऊँ। ओके बेटा, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओके, जय हिंद।